Hello students, welcome to this new video. In the previous videos of lesson number 2nd endogenetic moment, we had discussed about the Nepal devastated, about the big tremors, about their Richter scale intensity, about their epicenter Lamjung, Nepal, and how these moments are occurs. इस moments कैसे आती है और इसको क्या कहते हैं, हम लोगों ने last videos में देखा है. जस्ट लाइक पेज नंबर 9 पे ऊपर 2.2 में आपको फिगर आपने देखी होगी कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे शेक होते और उनके शेक होने के वजह से किस तरीके से क्रस्ट में जो चेंज आता है उसके बारे में हम लोग ने इन्फॉर्मेशन देखी थी लास्ट वीडियो में. बुक से अगर किसी बुक्स के बीच में का अगर कोई बुक आप निकाल लेते हो या किसी फिंगर से उसको पुल या पुश करते हो तो ऑब्वियसली ऊपर के जो एरिया है, ऊपर के जो बुक्स है या बुक्स के ऊपर रखी हुई सारी चीज़ें शेक हो जाएगी और इसी को हम लोग इस ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अर्थक्वेक कह सकते हो. तो ऐसा ही कुछ होता होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. इसी के बारे में हमको इस न्यू वीडियो में देखना है. देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मोमेंट. अब जो इंटरनल मोमेंट होते हैं उसको तीन तरीकों से क्लासिफाई किया गया. एक तो वेलोसिटी मतलब उसकी गति, उसकी स्पीड. अगर स्लो मोमेंट है, अगर जो इंटरनल में जो मोमेंट हो रही है, आपको पता है कि जो हमारा जो अर्थ है उसका जो इंटरनल पार्ट है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है. अपर लेयर जिसके ऊपर जंगल है, हमारी जो बिल्डिंग्स खड़ी है, दिस इज द क्रस्ट. देन द सेकेंड लेवल इज नोन एज अ मैंटल एंड द वेरी सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ कोर. और ये जो मैंटल होता है, ये सेमी सॉलिड लिक्विड में फॉर्मेशन में रॉक से, मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर होता है, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वहाँ पर टेम्परेचर होता है कि पूरे रॉक्स पिघले हुए कंडीशंस में होते हैं, जिसको मैग्मा कहते हैं. और जब ये मैग्मा क्रस्ट की दरारों में से बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग लावा कहते हैं. जो लावा कूल होने के बाद अगेन इट्स कम इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, उसके रॉक बन जाते हैं. तो जब ये रॉक के ऊपर, ये मेंटल के ऊपर हमारा क्रस्ट क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है. जब इस एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से अर्थ के इंटीरियर में जो कुछ भी मोमेंट होती है, अगर मोमेंट सडन होती है तो अर्थक्वेक होता है, क्योंकि क्रस्ट जो है ऊपर का जो लेयर है हमारी जिसके ऊपर बिल्डिंग्स है ये सारी खड़ी है, ये सडन मोमेंट इतना एक साथ होने की वजह से सब शेक हो जाता है. दीवारों में क्रैक आ जाते हैं, पोल्स गिर जाते हैं, पेड़ उखड़ कर गिर जाते हैं, तो हम उसको अर्थक्वेक कहते हैं. बट अगर ये मोमेंट स्लो है, देखिए मोमेंट अगर स्लो है, ऑकरिंग कंटिन्यूसली लाइक फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट, अगर हमको पता ही नहीं चलता, हमको महसूस नहीं होता है कि अर्थ के नीचे कुछ हलचल हो रही है, क्योंकि मोमेंट बहुत स्लो होती है और कंटिन्यूसली होती है, तो उससे क्या तैयार होते हैं, माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट्स क्रिएट होते हैं. कॉन्टिनेंट कैसे क्रिएट होंगे, देखिए आपको ऊपर का एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो वोल्केनोज हैं, वोल्केनो इरप्ट होने के बाद क्या होता है, वोल्केनो इरप्ट होते हैं, जहाँ से वो बाहर आते हैं उस एरिया में जब ये लावा कूल हो जाता है तो उसका रॉक तैयार होता होगा. और ये रॉक मगर बड़े पैमाने पे ज़्यादा एरिया कवर करता है तो इसके कॉन्टिनेंट भी बनते होंगे, जिस तरीके के आज जो कॉन्टिनेंट्स हम लोग देख रहे हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये कभी ना कभी तो यहाँ पे लैंड एरिया रहा होगा, या तो पानी रहा होगा या जो कुछ भी. आज जो ये सूख कर जिसे हम लोग लैंड एरिया कहते हैं या कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो ये किससे हुआ है, ये वोल्केनिक इरप्शन से ही बने हुए हैं. तो देखिए अगर मोमेंट स्लो है तो क्या तैयार होता है, माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट. अगर मोमेंट सडन आती है, सडन मोमेंट में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस. अगर मोमेंट सडन होते हैं तो उसको हम लोग अर्थक्वेक या वोल्केनोस करते हैं. अर्थक्वेक मतलब लावा बाहर नहीं आता है, सिर्फ उसकी एनर्जी रिलीज होने के मतलब प्रेशर की वजह से क्रस्ट पूरी तरीके से शेक हो जाता है. और वोल्केनोस हम जिसे कहते हैं, जो मैग्मा मैं अभी कह रहा हूँ मेंटल में होता है, सेमी लिक्विड रॉक, ये क्रस्ट की किसी होल से या किसी दरार से उतने स्पीड से बाहर आता है और वहाँ पर कई सालों के बाद वो ठंडा होने के बाद वहाँ पे रॉक तैयार हो जाते हैं. दिस इज़ नोन एज अ वोल्केनो. ये हो गई वेलोसिटी, गति के हिसाब से. अब डायरेक्शन, अब ये जो इंटरनल में अर्थ के इंटीरियर में जो वेव्स क्रिएट होती है एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से,
अगर इनकी इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, कभी ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है, अपवर्ड हो सकती है, डाउनवर्ड हो सकती है। अगर ये हॉरिजॉन्टल होती है तो क्या होता है, अपवर्ड होती है तो क्या होता है, डाउनवर्ड्स होती है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को वन बाय वन देखना है। लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, लैंडफॉर्म्स, कॉन्टिनेंट क्रिएटिंग कॉन्टिनेंट, प्लेटूज एंड हाईलैंड्स, माउंटेन बिल्डिंग, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ये दिस आर द मोमेंट ड्यू टू द इंटीरियर एक्शंस। जो अर्थ के इंटीरियर में जो कुछ भी चेंजेस होते हैं या उस वजह से अर्थ के क्रस्ट के ऊपर मतलब सरफेस एरिया के ऊपर उसका खामियाजा भुगतना होता है। देखिए स्लो मोमेंट, देखिए अगर अर्थ के इंटीरियर में मोमेंट स्लो है तो क्या होता है, अगर मोमेंट स्लो है तो क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ स्लो मोमेंट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। मोमेंट स्लो होना मतलब क्या है, हमको महसूस नहीं होता ये, और इस वजह से धीरे 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 कई सालों तक, कई हज़ारों सालों के बाद आपको कहीं पर फाउंटेन माउंटेन नज़र आता है या कहीं पर वैली क्रिएट हो जाती है। वो कैसे होती है, देखिए इस बॉक्स को देखिए आप, इफेक्ट प्रेशर और टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ वेव्स मोमेंट, अगर इंटीरियर में मोमेंट वेव्स मूविंग टू ईच अदर, अगर आप एक पेज ले लो, देखिए फिगर 2.5 ए में और 2.5 बी में आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक पेज लिया हुआ है और पेज के दोनों तरफ से उसको प्रेशर दिया जा रहा है, तो ऐसे ही इंटीरियर में प्रेशर क्रिएट होता है अर्थ के, और उससे क्या होगा, जो बीच में का पार्ट है वो उभर कर ऊपर आएगा, क्योंकि बीच में का पार्ट अगर सॉफ्ट रॉक है, रॉक सॉफ्ट है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली ऊपर मतलब उभर कर ऊपर आ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, माउंटेंस क्रिएट हो जाते हैं। अगर बीच में का रॉक हार्ड होता है तो क्या होता है कि वो ऊपर नहीं आता है, उसमें दरारें गिर जाती है, उसको कहते हैं हम लोग फॉल्ट। अगर एक दूसरे के तरफ प्रेशर दोगे कि तो फॉल्ट एक दूसरे से डायरेक्शन की अलग डायरेक्शन में जाती है तो उसमें क्रैक गिर जाती है, और ऐसे माउंटेन को फॉल्ट माउंटेन कहते हैं। और अगर सॉफ्ट रॉक है तो उससे जो माउंटेन क्रिएट होते हैं उसको फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं, फोल्ड माउंटेन भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए आपको ये बॉक्स में समझ में आ जाएगा, पहले प्रेशर के नीचे आप देखिए दोनों एरो एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं, और दूसरे इसमें देखिए एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर रॉक हार्ड है तो फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, रॉक हार्ड होने की वजह से वो बीच में से ऊपर की दिशा में अपलिफ्ट नहीं होता है, वो बीच में से क्रैक हो जाता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो किस तरीके से मोमेंट होती है, और एक ही डायरेक्शन में तो किस तरीके से फॉल्ट क्रिएट होते हैं, फॉल्ट मतलब फ्रैक्चर्स बिटवीन द रॉक्स। थर्ड कॉलम देखिए फोल्डिंग माउंटेन, रॉक सॉफ्ट होने की वजह से उसमें देखिए कैसे किस तरीके से फोल्ड क्रिएट हुए और रॉक, और दूसरे टेंशन के इसमें देखिए थर्ड कॉलम ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मगर बीच में का रॉक सॉफ्ट होने की वजह से उसमें पूरी तरीके से दरार गिर चुकी है। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द टेंशन ऑफ द प्रेशर जो क्रिएट होता है उससे ये चेंजेस होते हैं हमारे क्रस्ट में। कहीं पर क्रस्ट उभर कर ऊपर आ जाती है तो हम उसे माउंटेन करते हैं, कहीं पर बीच में का हिस्सा क्रैक हो जाता है तो उसको हम लोग फॉल्ट माउंटेन करते हैं, या ब्लॉक माउंटेन भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बीच में का जो हिस्सा होता है वो उभर कर एक तो ऊपर आ जाता है या तो नीचे चले जाता है थोड़ा, तो इस तरीके से माउंटेन क्रिएट होते हैं, फॉल्ट माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। देखिए एक्टिविटी में आप लोगों को बताया है कि टेक अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पेपर स्ट्रिप, प्लेस योर हैंड ऑन द बोथ एंड्स ऑफ द स्ट्रिप, मूव द बोथ हैंड्स टूवर्ड द ईच अदर गिविंग प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रिप। आप देख रहे हो कंप्रेशन दिया जा रहा है और 2.5 में आप देख रहे हो कि बीच में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से रॉक अगर वहाँ पर सॉफ्ट है तो वो उभर कर ऊपर आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इन द एक्टिविटी फर्स्ट द स्ट्रिप वॉज मूव्ड बाय द प्लेसिंग हैंड्स on the both end, the work performed on the strip at that time it's called compression. Pressure was given on the center of the strip from the both end, दोनों तरफ से pressure दिया जा रहा है, as a result the strip moves and folds are formed. Strip ऊपर की तरफ उठी है, वहाँ पर एक fold create हुए due to the on the earth crust. Same ऐसा ही earth crust पर भी होता है, moment are generated and fold.
कोल्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे 2.6 ए में कंप्रेशन, देखिए इंटीरियर से कंप्रेशन है, दोनों साइड से कंप्रेशन आ रहा है, मतलब दोनों साइड से प्रेशर दिया जा रहा है और बीच में एक जो रॉक्स हैं वो रॉक सॉफ्ट होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ चुका है। दिस इज नोन एज अ फोल्ड माउंटेन। देखिए एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी वेव्स एंड प्रेशर वर्किंग टूवर्ड्स ईच अदर एंड इन हॉरिजॉन्टल फोर्स द प्रेशर इज वेरी हाई, लार्ज स्केल फोर्स आर फॉर्म एंड देयर कॉम्प्लेक्सिटी अर्थ देयर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, एज अ रिजल्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स अपलिफ्टेड एंड फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म। बीच में का हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और इस तरीके के माउंटेन क्रिएट होते हैं। दिस इज नोन एज अ फोल्ड माउंटेन। जो हमारा हिमालयाज हैं, अरवलीज है, द हिमालयाज द अरवलीज, ये दोनों भी इंडिया में हैं। देन रॉकीज अमेरिका, देन एंड द एंडस पर्वत जो माला है जो साउथ अमेरिका में, एल्प्स यूरोप में, ये सारे की सारे जो पर्वतमालाएँ हैं ये जो बनी है इस तरीके के फोल्ड माउंटेन के तरीके से, मतलब इंटीरियर प्रेशर आने की वजह से बीच का हिस्सा ऊपर उठकर ये माउंटेन्स बने हैं। दिस आर द एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। लुक एट फिगर 2.6 ए एंड बी एंड फिगर 2.7। देखिए यहाँ पर जितने भी 2.6 ए बी जो दिख रहे हैं ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। अब देखिए एक्टिविटी सेकेंड आपको दी गई है, टेक अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ पेपर, होल्ड वन एंड ऑफ द पेपर इन योर राइट हैंड एंड होल्ड द अदर एंड ऑफ योर लेफ्ट हैंड, पुल बोथ एंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर। अब प्रेशर अपोजिट है, मतलब पहले के इसमें प्रेशर एक साइड था, एक ही दिशा में प्रेशर क्रिएट हो रहा था, मगर यहाँ पर देखिए प्रेशर अलग अलग दिशा में। तो इस पेपर के ऊपर वही होगा जो क्रस्ट के ऊपर होने वाला है। पेपर को आप दोनों तरफ से अलग अलग दिशा में अगर खींचोगे तो पेपर जो बीच में से फट जाएगा या वहाँ पर दरारें गिर जाएगी। तो सेम थिंग हैपन ऑन द क्रस्ट, इफ द प्रेशर क्रिएट अंडर द मैंटल अंडर द अर्थ इज ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट होता है तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये एक दूसरे से अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दरारें गिरेगी और वहाँ पे जो क्रिएट होगा वो ब्लॉक माउंटेन होगा। क्योंकि बीच में क्या होता है, अगर बीच में का जो रॉक है हार्ड होगा तो फॉल्ट गिर के मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा और कुछ हिस्सा ऊपर कर ऊपर आ जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। अगर ऊपर आ जाते हैं तो वो ब्लॉक के टाइप का दिखता है, मतलब ऊपर आने के बावजूद भी वो टेबल जैसा मतलब फ्लैट दिखता है और साइड में दरारें गिर जाती हैं और इनकी जो ढलानें होती है वो एकदम सीधी ढलानें होती है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखिए, इन एक्टिविटी टू टेंशन इज क्रिएटेड व्हेन यू पुल बोथ द एंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर, आपने उसको एक दूसरे के अलग अलग दिशा में खींचा है। सिमिलरली व्हेन मूवमेंट ऑकर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर टेंशन इज जनरेटेड एंड फॉल्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया फ्रैक्चर्स दरार आर फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में दरारें गिरती हैं और उससे जो क्रिएट होने वाला माउंटेन है उसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। उसको ब्लॉक क्यों कहते हैं, देखिए बिकॉज ऑफ इंटरनल मोमेंट हॉरिजॉन्टल वेव्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आर फॉर्म, दिस कॉज टेंशन ऑन द लेयर्स ऑफ द रॉक, दिस लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैक्चर्स इन द रॉक, दिज आर नोन एज फॉल्ट्स। सिमिलरली वेव्स कमिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर, देखिए अगर यहाँ पर देखिए 2.9 ए में एक दूसरे के साइड अगर एक दिशा में आ रहे हैं दोनों और बीच में का अगर रॉक हार्ड है तो वो उतना ब्लॉक उभर कर ऊपर आ जाएगा। एज फ्रॉम फॉल्ट ड्यू टू द कंप्रेशन व्हेन अ पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट इन बिटवीन टू पैरेलल फॉल्ट्स इज लिफ्टेड इट लुक्स लाइक अ ब्लॉक। आप फिगर 2.9 को ध्यान से देखिए, प्रेशर दोनों तरफ से एक ही दिशा में आ रहा है और बीच में का रॉक सॉफ्ट ना होने की वजह से ये फोल्ड नहीं हुआ बल्कि क्रैक होकर ऊपर की दिशा में अपलिफ्ट हो गया। ऊपर अपलिफ्ट होने की वजह से वो फ्लैट दिख रहा है और दोनों तरफ से जो उनकी जो ढलान है वो बोरी स्टीप है। इसका एग्जांपल 2.9 में आप देख सकते हो मेघालय प्लेटू जो है ये पूरा ब्लॉक माउंटेन का एक एग्जांपल है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई पिक नहीं है, मतलब माउंटेन तो है मगर उसका जो ऊपर का एरिया है सरफेस एरिया फ्लैट है। अगर आप हिमालय के एग्जांपल देखो तो हिमालय देखिए माउंटेन होने की वजह से तो है ही बट ऊपर के जो एरिया है वो फ्लैट है क्या, नहीं वो पूरे पीक टाइप है, मतलब ऐसे
कोन शेप में बहुत सारे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बट मेघालय प्लेटू में कोन शेप नहीं है, फ्लैट एरिया है। तो ये फ्लैट एरिया अगर मतलब माउंटेन, उसमें भी ऊपर का एरिया फ्लैट, ये है एग्जांपल माउंटेन ब्लॉक माउंटेन का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बीच में का रॉक जो हिस्सा उभर कर ऊपर आया है वो हार्ड रॉक है, वो फोल्ड नहीं क्रिएट कर पाया, इस वजह से उतना उभर कर ऊपर आ गया। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। सच अ लैंडफॉर्म इज नोन एज अ ब्लॉक माउंटेन। द हिल टॉप ऑफ ब्लॉक माउंटेन आर फ्लैट। इन द अर्ली स्टेजेस दे डू नॉट हैव एनी पीक्स, देयर स्लोप्स आर स्टीप। फॉर एग्जांपल ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन यूरोप, द मेघालय प्लेटू ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो बीन फॉर्म इन सिमिलर वे। ये जो एग्जांपल हैं ये ब्लॉक माउंटेन टाइप के हैं, मतलब दोनों तरफ से प्रेशर आया, एक ही दिशा में प्रेशर आया, और बीच में का रॉक हार्ड होने की वजह से वो उसमें दरारें गिरी और उतना हिस्सा उभर कर ऊपर चले गया। दिस इज़ नोन एज अ ब्लॉक माउंटेन। इसके बारे में, इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, बाय बाय।